हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में दो बहुत ही मस्त और नई चीजें मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये है एक आरसी डॉल्फिन। भाई दिखने में देखो कितनी ज्यादा अलग दिखाई दे रही है। मेरे पास एक और डॉल्फिन भी है, पर ये जो डॉल्फिन मैंने खरीदी है ना, उसका सेकंड वर्जन आप इसे बोल सकते हो। नई वाली डॉल्फिन है, 2024 का मॉडल है ये। तो अब यहाँ पे है मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक सी 8-व्हील एम्फीबियस आर्मर्ड आरसी कार। इस तरह की कार मेरे पास 2023 में भी थी, तो ये एक नया मॉडल लॉन्च हुआ था, तो फटाफट से मैंने इसको भी खरीद लिया है। भाई दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है और पूरी तरीके से आर्मर्ड है। आप इसको पानी पे भी चला सकते हो, साथ में जमीन पे भी चला सकते हो, और इसके अंदर 8 व्हील्स दिए गए। तो चलो फटाफट से पहले इन दोनों को मैं अनबॉक्स करूंगा, फिर इन दोनों को पानी पे चलाते हैं गाइस। यहाँ पे इसकी बहुत सारी यूनिक चीजें दी गई है। इसके अंदर हाई स्पीड मोटर दी गई है, ओमनी डायरेक्शनल भी है, 8-व्हील ड्राइव है, एकदम ब्रांड न्यू 2024 येलो कलर वाला मॉडल मेरे पास आ चुका है। बॉक्स को मैंने इस तरफ पलट दिया है। यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, पैकिंग काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक पैकेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई है। एक एक चीज मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर इनको पानी में भी चलाते हैं। ये इसका चार्जर है, यूजर गाइड है, और ये इसकी बड़ी सी बैटरी है। लायन 7.4 वोल्ट की बैटरी इसके साथ दी गई है। बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल बैटरी मेरे को लग रही है। अब निकालते हैं हमारी 8-व्हील एम्फीबियस आर्मर्ड कार। यार सच बता रहा हूँ, पुरानी वाली जो मेरे पास 8-व्हील आर्मर्ड कार थी, ये उससे दो गुना ज़्यादा खतरनाक मेरे को लग रही है। इसका लुक भी देखो यार, येलो एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है। पिछली वाली के मुकाबले में इसका साइज़ भी शायद थोड़ा सा बढ़ चुका है, और इसके टायर्स भी थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, ताकि हम लोग इसको पानी में भी चला सकें और साथ में ज़मीन पर भी चला सकें। नीचे ऑन ऑफ स्विच है, ये बटन से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ कार है। यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट, आप चाहे तो इसके अंदर बड़ी वाली बैटरी भी लगा सकते हो। नीचे की तरफ से पूरा फ्लैट बॉटम इसके अंदर दिया गया है। मेरे को तो लग रहा है आज ये सबको हरा के ही मानेगी। अब ये है एक मेरे पास रिमोट कंट्रोलर, इससे हम लोग ये कार को पानी पे भी चला सकते हैं, साथ में जमीन पे भी चला सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ 2500 रुपीज में खरीदा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आरसी डॉल्फिन 2024 वर्जन को। यहाँ पे इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, पिंक कलर में भाई बहुत ज्यादा ये फंकी लग रही है। पानी में जब चलाऊंगा ना, देखना गाइस ये कितनी ज्यादा मस्त दिखाई देगी और बहुत ज्यादा क्यूट भी दिखाई देगी। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओहो हो, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बनाई गई है। यहाँ पे एक पैकेट है, इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है, इसको चार्ज करने का चार्जर भी है। अब ये है इसका रिमोट। रिमोट काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छी सी इसके ऊपर फिनिशिंग है। ऊपर की तरफ दो बटन्स है, दो ट्रिगर्स है। यहाँ पे इसके जॉयस्टिक है, ये रिमोट को ऑन ऑफ करने का एक स्विच भी दिया गया है। अब देखो इसके अंदर एक लाइट टिमटिमा रही है, जैसे मैं इसको डॉल्फिन से कनेक्ट करूँगा तो लाइट वहाँ पर बंद हो जाएगी। ये डॉल्फिन का सामने वाला पार्ट है, यार सच में बहुत ज़्यादा ये क्यूट लग रही है। तो एक बार जोड़ के भी दिखा देता हूँ, जोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी है इसको। यहाँ पे एक क्लिप सिस्टम होता है, मैंने जोड़ दिया है। अब देखो गाइज इसका साइज, अरे बाप रे क्या ही मस्त दिखाई दे रही है यार ये तो। नीचे की तरफ दो बड़े बड़े प्रोपेलर्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसके अंदर स्प्रे सिस्टम भी है, यहाँ से पानी को खींच के ऊपर की तरफ यहाँ से फेंकने लगती है। दो दो आपको छोटे से होल्स नजर आएंगे, इसके अंदर से एक स्प्रिंकलर की तरह पानी निकलने लगता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट एनिमल कौन सा है। यहाँ पे इसकी पूंछ भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आज दोस्तों एम्फीबियस 8-व्हील कार के साथ मैं फाइट कराने के लिए एम्फीबियस शार्क भी लेके आ चुका हूँ। इसके ऊपर टायर्स काफ़ी बड़े बड़े लगे हैं, इस वजह से ये ऑफ रोड में भी चल सकती है, साथ में पानी के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से तैर सकती है। यहाँ पे हमारी स्टिंग रे फिश है, आज तक भाई इसको रेस में किसी ने भी नहीं हराया है। देखते हैं कि आज डॉल्फिन ये स्टिंग रे फिश को हरा पाएगी या फिर नहीं। और साथ में खतरनाक सा मगरमच्छ का बच्चा भी मैं लेके आ चुका हूँ, आज इसके साथ भी फाइट और रेस कराएंगे पानी के ऊपर हमारी डॉल्फिन के साथ। देखते हैं डॉल्फिन जीतती है या फिर क्रोकोडाइल जीतती है। चलो दोस्तों अभी इन सभी को पानी के ऊपर चलाते हैं हम लोग। इसको आज एकदम खतरनाक से दलदल में चलाएंगे गाइस। यहाँ सामने देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी है, और ये जो रास्ता है काफ़ी खतरनाक सा यार, यहाँ पर बहुत बड़ा दलदल है। तो आगे जाने के बाद एक और बड़ा सा दलदल है, वहाँ पे जाके इसको चलाते हैं। नीचे देखो बहुत ज़्यादा कीचड़ है और बड़ी बड़ी यहाँ पे काटियाँ भी पड़ी हुई है यार। मेरे को यहाँ से थोड़ा सा देख संभाल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े काटी के झाड़ है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सी जगह है यार, ये कोई हॉन्टेड सी प्लेस मेरे को लग रही है। पहली बार मैं इधर आया हूँ यार इसको चलाने के लिए, वरना हम लोग ज़्यादातर
टावर के पास ही इसको चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये डॉल्फिन को टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये पानी के ऊपर डॉल्फिन किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर यहाँ पे दो बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ये एकदम से डुबकी मार के चलने लगती है। ओ भाई ये डूब जाती है यार, अभी एक और बार बताता हूँ। पूरी तरीके से अंदर से डुबकी मार के चलने लगती है, मतलब इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और ये इस तरीके से डुबकी भी लगा देती है ये बटन दबाने पे। ये बटन दबाने पे अपनी पूंछ की हेल्प से चलती है, बिल्कुल एक रियल जो डॉल्फिन होती है वैसे ही ये चलती है अपनी पूंछ की हेल्प से। की रेंज तकरीबन 60 से 70 मीटर है। अब इसका मैंने जो स्प्रिंकलर है उसको ऑन कर दिया था। अब देखो जैसे मैं बटन दबाऊंगा, वाह ये देखो, मैं जितनी देर ये बटन पकड़ूंगा ये उतनी देर तक पानी फेंकते ही रहेगी और इस तरीके से चलने भी लगती है ये। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर मैं चलाने वाला हूँ। देखते हैं कि यहाँ से निकलती है या फिर फंस जाती है। सामने से ये थोड़ी सी नुकीली होने के कारण झाड़ियों में से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे मैंने इसके दो प्रोपेलर्स भी ऑन कर दिए हैं। यहाँ थोड़ा सा झाड़ियों में चलने के बाद यहाँ पर आकर ये फाइनली फंस गई है दोस्तों। मेरे को लगता है इसके प्रोपेलर के अंदर घास फंस चुकी है, तो अब यहाँ से ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। अब इसको रिकवर करने के लिए अपनी एम्फीबियस कार को लेके आते हैं। अभी इसको जमीन पे से सीधा पानी के अंदर लेके जाते हैं, तो अभी मैं इसको धीरे धीरे से चलाऊंगा। यार जमीन पे तो बहुत ज्यादा तेज मेरे को लग रही है। अब ये पानी के अंदर एंटर हो चुकी है। ओ माय गॉड, स्पीड देख रहे हो बहुत ज्यादा दी गई है इसकी। 8 व्हील्स होने के कारण पानी को एकदम काटती हुई ये आगे की तरफ बढ़ रही है। भाई मजा आ गया यार इसको चला के सच में। अब मैं इसको इस तरीके से टर्न भी करा सकता हूँ। टर्न कराने पे देखो इस तरफ के टायर अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं और इस तरफ के टायर जो है अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड लेके जाके हमारी जो डॉल्फिन फंस गई है उसको निकालने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। लहरें ज़्यादा आने पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती हुई मेरे को लग रही है। अब यहाँ पे हमारी डॉल्फिन है, देखते हैं कि ये झाड़ियों में से निकल के हमारी डॉल्फिन को चाप आएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, ताकत लगाकर ये धकेल रही है। ओ भाई यहाँ पे डॉल्फिन अभी डूब गई थी यार, हमारी कार भी डूब चुकी है। ये डॉल्फिन तो यार बहुत ज़्यादा झाड़ियों के अंदर फंस चुकी है। ओ ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया था इसने डॉल्फिन को काफ़ी आसानी से यहाँ से निकाल लिया है। अब हमारी डॉल्फिन यहाँ पे सेफली बाहर आ चुकी है, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही मैं किनारे के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा दलदल है, देखते हैं ये आगे तक बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ओ बढ़ चुकी है, यानी कि ये कार आप इसको पानी पे भी चला सकते हो, जमीन पे भी चला सकते हो और इस तरीके के कीचड़ में भी चला सकते हो। तो दोस्तों अब स्टिंगरे फिश को चलाते हैं, देखते हैं घास के ऊपर चलेगी या फिर फंसेगी डॉल्फिन की तरह। तो अच्छे तरीके से चल रही थी यार पानी के ऊपर, थे जैसे ही इसके सामने घास आ चुकी है ये थोड़ा सा लड़खड़ाने लगी है। धीरे धीरे करके घास के अंदर तो ये घुस रही है, पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होने के कारण मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा बड़ी घास में चल पाएगी। यहाँ पे मैंने दोनों प्रोपेलर्स इसके ऑन कर दिए हैं। ये लो ये भी जाकर घास में फंस चुकी है। अभी काम करते हैं इसको रिकवर करने के लिए भेजते हैं हमारे एम्फीबियस शार्क, देखते हैं शार्क इसको निकालेगी या फिर ये खुद भी फंस जाएगी यहाँ पे। इसके टायर्स काफी बड़े बड़े हैं। ओ भाई यार ये शार्क तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो यहाँ से इसने इसको धक्का लगा दिया है और हमारी स्टिंगरे फिश पानी के अंदर से निकल के आ चुकी है। ओ माय गॉड, ये तो एम्फीबियस कार जितनी पावरफुल है यार। तो दोस्तों अब यहाँ पे रेस होने वाली है दो एम्फीबियस कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। इसके अंदर सिर्फ 2 टायर्स लगे हैं, इसके अंदर 8 टायर्स लगे हैं, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। 2 3 स्टार्ट। जैसे इन दोनों की मैंने रेस को स्टार्ट किया है मेरे को लगा कि एम्फीबियस शार्क मिट्टी के अंदर फंस जाएगी, पर जैसे तैसे करके ये पानी तक पहुंच चुकी है। पानी के ऊपर क्लियरली आप देख सकते हो एम्फीबियस शार्क थोड़ी सी ज्यादा तेज लग रही है एम्फीबियस कार के मुकाबले में। इसने तो धक्का मार के इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया है। दोनों ही बहुत तेजी से तैर रहे हैं यहाँ पे। एम्फीबियस कार पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर एम्फीबियस शार्क की स्पीड बहुत ज्यादा गजब की है। दोनों बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से मैं दोनों को टर्न करा चुका हूँ। उसने वापस से पानी के ऊपर एम्फीबियस कार को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे एम्फीबियस कार पूरी कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा स्पीड में ये पानी के ऊपर से निकलने के लिए, पर यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। एम्फीबियस शार्क वापस से कीचड़ में आके फंस चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर एम्फीबियस कार यहाँ पे जीत चुकी है। यार ये तो देखो निकल ही नहीं पा रही है भाई, वहीं अपनी एम्फीबियस कार को देखो कीचड़ में बहुत मस्त तरीके से चल रही है। काम करते हैं इसको यहाँ से धक्का मार के निकाल देते हैं, तो क्लियरली ये भी निकल चुकी है। तो गाइस अब हम लोग पानी के ऊपर रेस कराने वाले हैं डॉल्फिन वर्सेस एम्फीबियस कार के बीच में, देखते हैं क्या ये इतनी बड़ी एम्फीबियस 8 व्हील्स वाली कार क्या डॉल्फिन को हरा पाएगी या फिर नहीं। 1 2
एमवीबीएस कार थोड़ा सा पीछे हो चुकी है। यहाँ पे आरसी डॉल्फिन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मस्त है यार, ये तो तैरते तैरते काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। लहरें भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है क्योंकि ये एकदम से डुबकी मार के चलने लगती है जैसे इसके सामने लहरें आती है। वहीं पे दूसरी तरफ अपनी एमवीबीएस कार ऑलमोस्ट इसके पीछे पड़ी हुई है। देखो यार ये इसको ओवरटेक करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, इसकी पूंछ तक ये पहुंच चुकी है, पर आरसी डॉल्फिन फटाफट से टर्न ले चुकी है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण देखो यार चुटकी बजाते ही टर्न ले लेती है और किनारे तक ये पहुंच भी चुकी है। यहाँ पे वापस से आरसी डॉल्फिन जीत चुकी है दोस्तों। अब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली रेस होगी इन दोनों के बीच में। देखते हैं क्या डॉल्फिन ये सबसे ज्यादा तेज स्टिंगरे फिश को हराएगी या फिर नहीं। चलो गाइस, ओके, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वाटर एनिमल्स की रेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे डॉल्फिन थोड़ा सा आगे निकल गई थी पर स्टिंगरे फिश को बिल्कुल भी कम समझना। देखो इसने ओवरटेक कर दिया था डॉल्फिन को, वापस से डॉल्फिन ने इसको ओवरटेक कर दिया है और डॉल्फिन अपनी पूंछ की हेल्प से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे स्टिंगरे पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे, पर डॉल्फिन की एक सबसे खास चीज है कि ये फटाफट तरीके से टर्न ले लेती है। यहाँ पे इसने टर्न ले लिया है और इसी बात का फायदा उठाकर देखो ये बहुत ज्यादा आगे तैर के आ चुकी है, ऑलमोस्ट दोनों ही किनारे तक पहुंच चुकी है और वापस से डॉल्फिन जीत गई है दोस्तों और ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी बन चुकी है। तो अब बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यूनिक रेस होने वाली है डॉल्फिन वर्सेस क्रोकोडाइल की। देखते हैं क्या आप क्रोकोडाइल को भी डॉल्फिन हरा पाएगी या फिर नहीं। ये जो आरसी क्रोकोडाइल है बीच बीच में चीटिंग भी करने लगती है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉल्फिन के करीब तक आ चुकी है। ओ माय गॉड, इसने तो इसके फिन को पकड़ लिया है। अरे बाप रे, तो यहाँ पे डॉल्फिन इसके चंगुल से छूट के निकल चुकी है और डॉल्फिन बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है तैर के। यहाँ पे क्रोकोडाइल पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर यहाँ पे मेरे को नहीं लगता गाइस ये इसको पकड़ पाएगी। क्लियरली आरसी डॉल्फिन जीत गई है। तो आज डॉल्फिन ने भाई पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए हैं, डॉल्फिन यहाँ पे जीत चुकी है दोस्तों। नो डाउट आरसी डॉल्फिन बहुत ज्यादा फास्ट है क्रोकोडाइल के मुकाबले में। अब एक काम करते हैं, दोनों के बीच में एक रस्सी को मैंने बांध दिया है, अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं क्या क्रोकोडाइल इस बार डॉल्फिन को हरा पाएगी या फिर नहीं। ये लोग दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को खींच रहे थे। यहाँ पे आरसी डॉल्फिन ने वापस से गजब करके रख दिया है, इसने तो यार जरा भी चांस नहीं दिया आरसी क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है, ये देखो इसके प्रोपेलर इतने फास्ट घूम रहे हैं फिर भी डॉल्फिन ने इसको हरा दिया है। यहाँ पे अब ये दोनों एम्फीबियस के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ है, कीचड़ में आरसी एम्फीबियस कार भारी पड़ चुकी थी आरसी एम्फीबियस शार्क के ऊपर, पर जैसे ही दोनों पानी के अंदर जा चुके हैं क्लियरली आप देख सकते हो आरसी एम्फीबियस शार्क को अलग ही तरीके की पावर मिलने लगती है। इसने तो यार हवा टाइट करके रख दी है आरसी एम्फीबियस कार की और पानी के ऊपर तो यार ये बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही है इसको खींचने के लिए। क्लियरली आरसी एम्फीबियस शार्क जीत चुकी है पानी के ऊपर टग ऑफ वॉर में, और जमीन के ऊपर आरसी एम्फीबियस कार जीत चुकी है। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये आरसी एम्फीबियस आर्मर्ड कार अच्छी लगी या फिर ये क्यूट सी डॉल्फिन अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलो अभी मैं दूंगा शाउट आउट, पहला नाम है रवि, शुभ्रजीत, तरन, साहिन, प्रिंस, समृद्ध, सागर, देवांश, फरहत, समर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय।